एक ओर मध्य प्रदेश में सामान्य प्रशासन द्वारा जारी पत्र में लाडली बहना योजना की जगह नारी सम्मान योजना लिख दिया गया, लेकिन कुछ कांग्रेस नेता ऐसे भी हैं जिन्हें अपनी पार्टी द्वारा दिए गए स्लोगन नारी सम्मान की धनराशि तो याद रही मगर स्लोगन ही भूल गए और नारी सम्मान की जगह लाडली बहना लिखवा दिया। जब इस मामले में 2008 में कांग्रेस से उम्मीदवार रहे गोपाल कौल से प्रश्न किए गए तो वे नारी सम्मान योजना का नाम तक नहीं बता सके। ना की है, वो कौन सी योजना है? देखो, महिलाओं के लिए 1500 रुपये देने की माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की है, जो मैंने पर्चे में भी लिखा है। इसका क्या नाम? महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात मैंने की है। उसका नाम क्या है? योजना उन्होंने जी मैंने आप दिया ना मैंने आपको नाम नहीं मालूम? आप मुझे मालूम है, मैंने ये पर्चे में सब लिख के दिया तो है। तो श्रीमान जी, आप नाम भी तो बता सकते हैं कि उस योजना का क्या नाम है? नारी सम्मान योजना जो है, नारी सम्मान योजना है, उसमें 1500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए और महिलाओं को 1500 रुपये देने की। उस योजना का नाम नारी सम्मान योजना है, ठीक है ना? और फिर भी आप जो है लाडली बहना योजना जो भारतीय जनता पार्टी की है वो बोर्डों पे लिखवा रहे हैं, जगह जगह लिखवा रहे हैं और 1500 रुपये और हाथ का चिन्ह बना रहे हैं, साथ में आपका नाम आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा कहीं किसी जगह दुश्मनों की चाल है। मेरा जो लिखने वाला है, आपने देखा होगा कि 500 जगह उसने लिखा, कहीं 10-15 जगह या 10 जगह, 5 जगह, 7 जगह, 8 जगह, 10 जगह, 15 जगह मैंने कुछ चिन्हित भी किए हैं, 10-5 जगह। तो कोई आया, उसको बुला मोटरसाइकिल वाला, बोले क्या लिख रहा है महिला बहना लिख। वो तो कर्मचारी था, मैंने बहना लिख दिया। मेरे संज्ञान में जब आया तो निश्चित रूप से मैंने आपके संज्ञान में कौन लाया था ये? व्हाट्सएप में देखा। वो आपने ही डाला खुद? हाँ, मैंने डाला ना, उनको डाला, मेरे संज्ञान में आया तो मैंने डाला किसको पार्टी के लिए कि भाई ये इस तरह से लिखा हो गया है, इसको मैं सुधारूंगा। मैंने खुद ही डाला रात को कि ये गलत हो गया। तो दूसरी ओर भाजपा नेता सत्येंद्र कहावत ने लाडली बहना योजना को इतना सफल बताया कि कांग्रेस भी इसका प्रचार प्रसार कर रही है। देखिए, ये पत्र की जानकारी मुझे आप लोगों के माध्यम से मिली है, मैंने उसको पढ़ा है। उसमें नारी सम्मान एवं उद्यमता योजना के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया है, नारी सम्मान शब्द का प्रयोग किया गया है। निश्चित रूप से हो सकता है कि ये अगर मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग का पत्र है तो कोई त्रुटि, क्लर्कियल त्रुटि हो सकती है, लिपिकी त्रुटि हो सकती है। इस विषय पर हम अपने वरिष्ठ नेतृत्व से बात करके और इस पत्र को सुधरवाने का प्रयास करेंगे, और अगर किसी की जानबूझकर ऐसा किया तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। एक कोई कथित नेता है कांग्रेस के भी जी, उन्होंने लाडली बहना योजना 1500 रुपये लिख रखा है, तो इसको क्या माना जाए? माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में लाडली बहना योजना का इस कदर प्रचार प्रसार हो रहा है और हमारी बहनों को उसका लाभ मिल रहा है कि कांग्रेस के नेता भी अब हमारी शिवराज सिंह सरकार की योजना से प्रेरित होकर उस योजना का प्रचार कर रहे हैं। अब इतना तो जाहिर हो गया है कि स्लोगनबाजी में चाहे सरकारी अफसर हो या नेता कंफ्यूज हो ही जाता है, जो कि कभी कभी खुद पर या पार्टी पर भी भारी पड़ सकता है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए अशोकनगर से सुनील तनेजा की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।